नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और बिना टाइम लगाए साउथ की फेमस पोहा डोसा या इंस्टेंट पोहा अपम भी आप इसको बोल सकते हैं। बिना ऑयल के आप इस टेस्टी हेल्दी नाश्ते को कभी भी बना सकते हैं। एकदम रूई जैसा होता है, खाने में इतना टेस्टी कि आप इसको बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसके साथ एक स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस टेस्टी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 3/4 कप पोहा ले लिया है और पोहे को हमें 2-3 पानी धो लेना है अच्छे से। तो देखिए, मैंने धो लिया है और पानी इसका निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 कप सूजी डाल रही हूँ। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। और उसी के साथ मैं 1/2 कप यहाँ पे दही डाल रही हूँ। तो दही मैं यहाँ पे ताज़ा यूज़ कर रही हूँ, खट्टा दही नहीं डालना है। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। और बस अब ये सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो 1 कप पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 1/2 कप पानी डाला है और मिक्स कर लिया है। और जो बचा पानी है ये पूरा डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सूजी हमारी फूल जाएगी, तो इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। तो इसको साइड में रख देंगे और तब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भुना हुआ मूंगफली मैंने 2 चम्मच लिया है। उसी के साथ चना दालिया मैंने लिया है 2 चम्मच। और इसमें डालेंगे लहसुन, तो 6-7 लहसुन की कलियाँ मैंने डाली हैं। उसके बाद 1 टमाटर मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। तो ये चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे 3-4 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। और यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने नींबू का रस पूरा निकाल लिया है। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक आप चटनी के हिसाब से स्वाद अनुसार डालिए। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 बड़े चम्मच। और बस अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने पीस लिया है। इसमें मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो अब कड़ी पत्ता डाल के एक बार फिर से इसको पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने पीस लिया है। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो अब चटनी को एक बाउल में खाली कर लेते हैं और इसके बाद हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तो देखिए, चटनी बनी है ना, एकदम टेस्टी, देख के ही लग रहा है कि हाँ ये बहुत टेस्टी बनी है। चलिए अब इसका तड़का लगा लेते हैं। तो गैस पे एक तड़का पैन रख लिया है, इसमें तेल डालेंगे। तो 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच में सरसों डाल रही हूँ, काली वाली सरसों है। थोड़ा चटकने देंगे। उसी के साथ में इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और 1 या 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो देखिए, तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और चटनी के ऊपर हम तड़का डाल देंगे। तो चटनी हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब इसको भी साइड में रख देते हैं चटनी को। और पोहा और सूजी हमारा रेस्ट करके हो गया है 10 मिनट। तो देखिए, पानी पूरा सोख लिया है अच्छे से। तो अब इसको हमें ग्राइंड करना है। तो अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम ये सारा पेस्ट डाल देंगे, जो भी घोल हमने तैयार किया है पूरा डाल देंगे। मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा ड्राई है तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालिए। तो देखिए, मैंने पीस लिया है और पीस के इसकी थिकनेस ऐसी रहनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा रहना चाहिए। तो अब इसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें मैं इसको और सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 इनो का पाउच डाल रही हूँ और उस पर 1 चम्मच पानी डालेंगे। और उसके बाद अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे ये अपम बहुत ही सॉफ्ट बने। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब अपम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे देखिए, पैन यहाँ पे रख लिया है। पैन को मैंने गरम कर लिया है, हल्का मीडियम गरम कर लिया है। अब इस पे कटोरी या कप से आपको इस पे डालना है। इसको हमें फैलाना नहीं है। देखिए, डालते ही अपने आप फैलने लग गया है।
और उसके बाद लो मीडियम गैस कर देना है। और देखिए इसमें किस तरह से ये जाली उठने लग गई है, तो इस तरह से हमें ये, और इसकी एक ख़ास बात और है कि इस अप्पम को हमें दोनों साइड से नहीं सेकना है, एक ही साइड से सेकना है। तो देखिए इसमें जाली कितने अच्छे से पड़ रही है, मैं एकदम पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आप बना सकते हैं, खास करके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो देखिए ये बन चुका है, मैं नीचे से भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये अच्छे से नीचे से भी गोल्डन कलर आ गया है और पूरी तरह से ये सिक चुका है। तो अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के अप्पम भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को एकदम पास से दिखा रही हूँ कि ये कितना टेस्टी और हेल्दी बना है। ये देखिए नीचे भी कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर आया है। तो इस तरह से बाकी के अप्पम भी मैं तैयार कर लूँगी। इस तरह से ये अप्पम की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ऐसे ही कुछ नए मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।